Assalamualaikum, you are watching Bushra's coaching and today one of my follower asks me this question and I will discuss today this question in this video. So the question is, draw the graph K7, C7 and W7. यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है K7, C7 और W7 के लिए. तो भाई हम लोग अब क्या समझे, K7 क्या है, C7 क्या है और W7 क्या है. सो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. हमारे पास आंसर है कि द कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस डिनोटेड बाय kn. तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि kn हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है. यहाँ पर मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ, कंप्लीट ग्राफ. तो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ जिसके हर वर्टिसेस मैच हो एक दूसरे के साथ. इज़ द सिंपल ग्राफ दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स. तो ये देखिए, मैंने अभी जो बोला वो ये सारा लिखा हुआ है कि हाँ, वो एक सिंपल ग्राफ है जो कि कंटेन करेगा एग्जैक्टली वन एज बिटवीन एवरी वर्टेक्स. तो आज हम लोग पहले इसे ड्रॉ करते हैं, देन हम लोग दूसरे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं K7 को. तो K7 ले लिया हमने. अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 7 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वर्टिसेस को. तो हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्टिसेस ले लेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं एक यहाँ पे लेती हूँ 70 है. हम लोग इसे किसी भी तरह ले सकते हो, वो हमारी मर्जी है. तो अब देखें, 7 हमारे पास वर्टिसेस हैं. अब हमें इसे मैच करना है, यानी हर वर्टिस के बीच एक एज ज़रूर होनी चाहिए. अब देखें, ये एक एज हो गई इन दोनों के दरमियान, ये एक हो गई इन दोनों के दरमियान. तो अब भाई इसके दरमियान भी तो एज होनी चाहिए और फिर इसके दरमियान भी होनी चाहिए, फिर हमें इसके और इसके दरमियान भी एक एज होनी चाहिए, इसके और इसके दरमियान भी होनी चाहिए. तो अब क्या देखें, हर वर्टिस के बीच एज है नहीं भाई, इसके और इसके नहीं है, फिर इसके और इसके नहीं है, इसके और इसके, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तो नहीं है ना. तो अब हम लोग जैसे हमने इस एक वर्टिस को हर वर्टिस के साथ मैच किया है, हम लोग उसी तरह बाकी के वर्टिसेस को भी मैच करेंगे. जैसे इसको हम लोग यहाँ पर मैच कर देंगे, ये यहाँ पर मैच नहीं है, ठीक है. ये मैं थोड़ा सा रफ बना रही हूँ आपके समझाने के लिए, मैं स्केल रखूँगी तो फिर थोड़ा समझ नहीं आएगा. अच्छा, तो ये यहाँ पर मैच हो गया, यहाँ पर मैच हुआ हुआ है पहले से. अब हम लोग इस वर्टिस को यहाँ पर मैच करेंगे, ठीक है. अब ये वर्टिस यहाँ पर भी मैच होता है, ये वर्टिस यहाँ पर भी मैच होता है और ये वर्टिस यहाँ पर भी मैच होता है. तो ये हमने इन दो को तो पूरा कर लिया, 1 और 2, ठीक है. लेकिन हमने इसको तो नहीं किया, इसको हमने सारे वर्टिसेस के साथ मैच नहीं किया. तो हम लोग इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एंड द लास्ट वन इज़ दिस. तो ये 1, 2 और ये 3 भी कनेक्ट हो गए. ये हमारे पास अब बन रहा है एक कंप्लीट ग्राफ. अब देखिए, ये हमारे पास इन तीन के साथ मैच है ऑलरेडी, बट इन तीनों के साथ मैच नहीं है. तो हम लोग इसको इसके साथ मैच कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो ये 4 वाला भी हमारा कंप्लीट ग्राफ की तरफ आ रहा है. अब देखें, ये यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 लोगों के साथ मैच है, बट ये इसके साथ, हाँ ये इसके साथ भी मैच है, ये इसके साथ नहीं मैच. तो ये भी हमारे पास 5 वाला भी कंप्लीट हो गया. अच्छा, ये 6 वाला हमारे साथ, यहाँ पर हम इसे 6 करेंगे तो ये 6 भी कंप्लीट हो जाएगा. और ये 7, 1 हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पर मैच नहीं है, हाँ ये यहाँ पर मैच नहीं है. और ये वाला इसके साथ मैच, इसके साथ मैच, इसके साथ मैच, इसके साथ, सही है. तो ये हमारे पास बन गया है एक कंप्लीट ग्राफ ऑफ 7 वर्टिसेस. यानी देखिए, हर एक वर्टिस दूसरे वर्टिसेस के साथ कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, कोई ना कोई एज है बिटवीन, ठीक है. तो हर सारे वर्टिसेस को हमने मैच कर लिया है बिटवीन वन एज. तो देखिए, इन दोनों के दरमियान 1 एज है, इन दोनों के दरमियान 1 है, इन दोनों के दरमियान 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन गया, यानी हमने अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, K7. अब हम लोग जाएंगे C7 की तरफ. तो C7 क्या है हमारे पास, C7 है हमारे पास एक साइकिल, कहते हैं CN. n हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ठीक है.
मैं इसको जरा यहाँ पर लगा दूँ. तो द साइकिल एन इज़ ग्रेटर इक्वल देन थ्री कंटेन एन नंबर ऑफ वर्टिसेस. सही है. तो यहाँ पर हमने अब लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किस तरह है, लेकिन अब हम इसे ड्रॉ कैसे करें भाई. यहाँ पर तो हमसे सी सेवन मांगा हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम लोग सी सेवन पार्ट टू दे देते हैं. सी सेवन, तो भाई सी सेवन हमारे पास इस साइकिल है, तो हम लोग सबसे पहले सेवन वर्टिसेस बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ठीक है. अब साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ सिंपल साइकिल होती है, बस उनको हर एक एज को हमने साइकिल की तरह ड्रॉ करना होता है. तो ये देखिए, अगर हम लोग इस दोनों के दरमियान एज बना लें तो क्या ये हमारे पास साइकिल है. सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया. हाँ, तो क्या अब ये साइकिल है? ऑफ कोर्स की साइकिल है. देखिए ये गोल गोल रोटेट कर रही है, तो ये साइकिल है. और सी सेवन है, यानी सेवन वर्टिसेस ले लिए. 1 2 3 4 5 6 7. ये बहुत सिंपल है. बट हमारे पास अब आता है हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, डब्ल्यू सेवन. तो व्हाट इज़ डब्ल्यू सेवन, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे. डब्ल्यू सेवन में हमारे पास कहते हैं वी ऑब्टेन अ व्हील. व्हील भी हमारे पास बिल्कुल थोड़ा बहुत साइकिल की तरह ही होता है. वियर वी एड एन एडिशनल वर्टिस टू द साइकिल सी एन. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है. कहते हैं कि ये जो हमारे पास साइकिल है सी एन, इसमें हम एक न्यू वर्टिस ऐड करेंगे. यानी अगर हमारे पास ये साइकिल है, सही है, मैंने एग्जांपल दे दी, तो यहाँ पर हम एक न्यू वर्टिस ऐड कर देंगे. वर्टिस तो हमने ऐड कर दी, बट इसके साथ आगे करना क्या है, इसको अब हमने हर एक साइकिल के वर्टिस के साथ मैच करना है. यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमने थ्योरी लिखी हुई है एडिशनल वर्टिस सी एन फॉर. हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कनेक्ट दिस न्यू वर्टिस टू ईच ऑफ द एन. यहाँ पर हमने एन को ज़रा अंडरलाइन कर दिया. वर्टिस इन सी एन बाय न्यू एज सी एन. तो देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने बोला बिल्कुल वही लिखा हुआ है. ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास अब हम लोग एक न्यू साइकिल ले लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए. ठीक है, अब हम लोग इसे सिंपल पहले साइकिल बनाएंगे. तो सिंपल साइकिल बनाने के लिए हमें सिर्फ इसे ड्रॉ करना है. ठीक है, हर एज को एक दूसरे के साथ साइकिल की तरह ड्रॉ करना है. चलो ये हमने कर दिया. अब इसमें हमें एक न्यू वर्टिस ऐड करना है. तो हम लोग कहाँ वर्टिस ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं. हाँ जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें व्हील कहता है कि, यहाँ पर मैं व्हील लिख दूँ. हाँ, वी सेवन. अब हमें व्हील कहता है कि इस न्यू वर्टिस को तुम्हें सारे वर्टिस के साथ कनेक्ट करना है. तो अब इसको कैसे कनेक्ट करें? तो इसको सारे वर्टिसेस के साथ क्या हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और ये हो गया, ये इधर से हो गया. तो क्या अब ये न्यू जो वर्टिस है इसे हम लोग एच का नाम दे देंगे या फिर एच का नाम दे देंगे? कुछ भी नाम दे सकते हैं, मर्जी है. तो मैंने एच का नाम दे दिया. वर्टिस इज इक्वल टू एच, न्यू वर्टिस, न्यू वर्टिस में लिखती इधर ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो. अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एच का नाम दे दिया. अब देखिए क्या ये एच वर्टिस सारे वर्टिसेस के साथ मैच करता है, कनेक्ट करता है? जी बिल्कुल कनेक्ट करता है. तो ये हमारे पास एक परफेक्ट व्हील हो गई, जिसमें हमने देखें पहले न्यू वर्टिस ऐड किया, फिर उसको सारे एजेस के साथ, न्यू वर्टिसेस के साथ कनेक्ट कर दिया. तो हमारे पास वी सेवन हो गया. होप यू लाइक दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मैं यही नोट्स आखिरी में प्रोवाइड करूँगी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.